आज के इस वीडियो में उत्तराखंड काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग साथ ही करने वाले हैं। पूरी वीडियो देखेंगे, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले uktech.ac.in पे जाएंगे, YouTube सर्च करेंगे सिंपल गूगल पे, तो आपको पहला वेबसाइट वही दिख रहा होगा। वेबसाइट पे पहुंच के आप जो है, थोड़ा सा मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ एज ब्राउज़र, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे आप क्रोम यूज़ करोगे बड़ी ईजिली जाओगे। वेबसाइट पे पहुंच चुका हूँ, इंटरफेस आपको ऐसा दिख रहा होगा। फ़ोन से भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल फॉलो करेंगे इस वीडियो को इजीली। आप चाहे फोन से करें, टैब से करें, लैपटॉप से करें, इजीली इस चीज को आप कर पाएंगे। वेबसाइट को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और पहले ब्राउज करेंगे नोटिस को, जो नोटिस यहां पे आई है आपकी कि कब से आपकी काउंसलिंग हो रही है, कब कौन सा डेट है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कब चॉइस फिलिंग करनी है, सारी बातों को पहले समझेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पे देख पाओगे कि 19 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक, 19 से 24 तक आप यहां पे पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यानी कि 19 को ओपन हुई थी, 24 तारीख तक आप इस चीज़ को कर सकते हो, और उसके बाद कहीं ना कहीं लास्ट डेट जो है आपका फ्रीज फ्लोट अलॉटमेंट जो आपका आएगा वो कहीं ना कहीं आएगा 25 तारीख को, और उसके बाद फ्रीज फ्लोट आप 30 तक यहाँ पे कर पाओगे। उसके बाद रिपोर्टिंग आपको करनी होगी कॉलेज जाके, जो कॉलेज आपको मिलेगा वो 1 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक इस चीज़ का है। सिमिलरली सेकेंड एंड थर्ड राउंड का भी नोटिस आपको उसी में मंसर्नड दिख जाएगा, इस चीज़ को आप देख सकते हो। अब तो यूट्यूब पर खैर जूम भी कर सकते हैं, तो जूम करके भी आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हो 720p या 1080p में करके, बड़ी ईजिली इन चीज़ों को आप पढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये सारी नोटिस आप एक बार गो थ्रू कर लेना। इस वीडियो में मेजर जो अपना पॉइंट है वो रजिस्ट्रेशन करना है। आप रजिस्टर आराम से करें, अगर आप उत्तराखंड के हैं तो आपको पार्टिसिपेट जरूर से करना चाहिए। आउटसाइड वाले भी कुछ कुछ जो है आप देख सकते हैं इन कॉलेजेस के अंदर। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रीड आउट कर देता हूँ कि ये चीज़ें क्या लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल बात समझो, इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है फ्रीज फ्लोट और आपके पास विड्रॉ, तीन ऑप्शंस होंगे आपको, अगर कोई भी कॉलेज अलॉट होता है उस टाइम पे, या फिर नहीं होता है तब भी, नहीं होता है तब आपके पास विड्रॉ का ऑप्शन होगा सिंपल, ठीक है। तो फ्रीज फ्लोट और विड्रॉ का ऑप्शन है। अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया है और आप उस कॉलेज से संतुष्ट हैं कि हाँ मुझे यही कॉलेज चाहिए था, फ्रीज करेंगे, 10,000 रुपये का पेमेंट करेंगे और उस कॉलेज में जा कर के आप रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे। रिपोर्टिंग के डेट नोटिस में मैंसर्नड है, और रिपोर्टिंग करने के टाइम आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट, साथ ही साथ आपको पहले सेमेस्टर की या कहीं कॉलेज में फर्स्ट ईयर की पूरी फ़ी आपको ले ली जाती है। 10,000 माइनस हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पे कर दिया है। फ्लोट जब करेंगे तो भी आप 10,000 पे करेंगे, और फर्दर राउंड के अंदर आप पार्टिसिपेट करेंगे, आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है, इस बात को समझेंगे आप। उसके अलावे मैं बात करता हूँ, अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं किसी भी काउंसलिंग से, YouTube काउंसलिंग से आप विड्रॉ कर लेते हैं पहले राउंड के अंदर, तो सेकंड राउंड के अंदर अगर आप दोबारा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो दोबारा आपको पैसा देना होगा। 2,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ी भी दोबारा आपको पे करनी होगी। 2,000 रुपये फ़ी है रजिस्ट्रेशन की। अभी चॉइस फिलिंग भी चालू हो चुकी है, ठीक है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने प्रोसीड पे क्लिक कर दिया, रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। कोर्स को सेलेक्ट करूँगा मैं, कोर्स यहाँ पे बीटेक को सेलेक्ट करूँगा। बीटेक को सेलेक्ट करते फर्स्ट ईयर, लीड का भी ऑप्शन होता है लेकिन हम लोग फर्स्ट ईयर के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे जेई मेंस हमने दिया है तो यस कर दिया, और जेई मेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करेंगे जो कि आपका 2303 ऐसा करके शुरू हो रहा होगा। रोल नंबर मत फिल कर देना, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना है, एप्लीकेशन नंबर, और यहाँ पे प्रोसीड टू रजिस्टर के ऊपर में क्लिक करेंगे। जैसे ही जेई का डिटेल भरेंगे आप, आपकी सारी जानकारी यहाँ पे फेच कर ली जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को एंटर करना है, साथ ही साथ आपको कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से पहले यहाँ पे कैप्चा एंटर कर लेता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सारी जानकारी फिल कर दिए, रजिस्टर के ऊपर में टैप कर दिया। जैसे ही हमने ये चीज़ की, हम यहाँ पे अगले पेज के ऊपर जाएंगे जहाँ पे हमसे मांगा जाएगा OTP, जो OTP गया है हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर में। अब यहाँ पे हम लोग OTP को प्राप्त करेंगे, और उसके बाद OTP को यहाँ पे एंटर किया जाएगा। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे OTP को एंटर करते, देख लो आप वेरीफाई के ऊपर में क्लिक करेंगे, सिंपली वेरीफाई के ऊपर में क्लिक किया और यहाँ पे ओके कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको एक मिला होगा जो कि आपके ईमेल आईडी के ऊपर में आपको जो है चला गया होगा। आप ईमेल आईडी को चेक करेंगे, वहाँ पे आपको यूज़र आईडी पासवर्ड गया होगा, उन दोनों को यहाँ पे एंटर करेंगे और सिंपली कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन किया, बहुत अच्छी सी वेबसाइट, बहुत अच्छा सा डैशबोर्ड आपको सामने दिख रहा होगा। अब डैशबोर्ड के ऊपर में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं भरा है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर में क्लिक किया, ये मेरी डिटेल आ गई सामने, तो इसीलिए मैंने उसको हाइड कर दिया था, क्योंकि फिर वीडियो पे रिस्ट्रिक्शन आ जाता है और वीडियो हाइड हो जाती है, आपको नहीं दिख रहा होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे
पे 2023 सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद रेसिडेंस हूँ मैं उत्तराखंड का, और यहाँ पे अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी हाँ मेरी जनरल है तो जनरल को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी के अंदर आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, सब कैटेगरी को भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो सब कैटेगरी को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सब कैटेगरी में मेरे पास फिजिकल हैंडीकैप्ड, फ्रीडम फाइटर वगैरह ऑप्शंस है, उनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आधार कार्ड, और यहाँ पे आपको आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद क्या आप TFW के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो TFW को आप यस ही रखना, अगर आप रेसिडेंट हैं उत्तराखंड के तो यस ही करना। हाँ, किसको कम्फी नहीं पसंद होगा TFW के साथ साथ, क्योंकि TFW के चक्कर में हो क्या जाता है कई बार कि आपको नॉर्मल सीट अच्छी मिल रही होती है वो नहीं मिल पाती, इसीलिए यस यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, TFW के अलावे भी आपको कॉलेज मिल पाएंगे। नेक्स्ट पे प्रोसीड किया, आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले स्टेप के ऊपर में, जहाँ पे हमें थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जैसे फ़ोटो साइन वगैरह, और सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने बस फोटो सिग्नेचर है और यहाँ पे आपका आधार कार्ड है, इन तीन डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करने, क्योंकि बाकी डॉक्यूमेंट का सिग्निफिकेंस बनता नहीं है। बहुत सारे काउंसलिंग्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट मांगे तो जाते हैं लेकिन वेरीफाई नहीं किए जाते, बहुत से में वेरीफाई किए जाते हैं। अब जैसे हरियाणा वगैरह है, HSTS में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते नहीं है, आप 12th की मार्कशीट की जगह डोमिसाइल भी अपलोड कर दो तो उनको पता नहीं चल पाता है, तो उसका रहने दो यार। ये बड़ी अच्छी वेबसाइट इन्होंने बनाई है। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे फोटो अपलोड किया तो कह रहा है कि 100 KB से कम का होना चाहिए। ठीक है भैया, 100 KB से कम का कैसे होगा, फ़ोन से आप अप्लाई कर रहे हो, पूरा प्रोसीजर पूरा गाइड आप समझो। यहाँ पे इमेज इन लार्जर सिंपल, इमेज रिसाइजर आप सिंपल सर्च करोगे गूगल के ऊपर में, और आप पहली वेबसाइट के ऊपर में जाएंगे, फोटो अगर आपका 100 KB से कम का नहीं है, या फोटो छोटा है बड़ा है, क्रॉप करना है रिसाइज करना, जो भी करना है सारी बातें आप कर पाओगे। सेलेक्ट इमेज के ऊपर में क्लिक करते हैं, सिंपल फोटोग्राफ यहाँ पे हम ले लेते हैं, फोटोग्राफ ले लिया भाई का। इसके बाद कह रहे हैं कि भाई 100 KB से कम का होना चाहिए, सिंपल टारगेट फाइल साइज के अंदर 100 KB कर दो, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। रिसाइज इमेज के ऊपर में हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे होंगे, और रिसाइज इमेज पे क्लिक करते ही फोटो हमारा 100 KB के आसपास का बन के आ जाएगा, और डाउनलोड यहाँ पे आप कर लेंगे, फ़ोन से भी कर सकते हैं। इसी बात को तो मैं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं भैया फ़ोटो ऐसा हो जा रहा है, PDF ऐसा हो जा रहा है, मैं भाई तुमको जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ साथ पूरा प्रोसीजर बताता हूँ कि ऐसे करोगे ये समस्या आ सकती है, क्या होना है वो तो बताऊंगा ही, और क्या नहीं होना चाहिए ये भी बताऊंगा साथ ही साथ, तो ध्यान रखना। तो हम दोनों चीज़ें फोटोग्राफ भी और यहाँ पे सिग्नेचर भी आधार कार्ड भी सारी चीज़ों को सही कर लेते हैं, और फोटो यहाँ पे मैंने जो कर लिया था इसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, तो ऐसे करके जो है यहाँ पे फोटो को उठा के जो है डाल दिया फोटोग्राफ के अंदर, और वही चीज़ जो है हमने साइन पहले ही अपलोड कर रखा है क्योंकि सिग्नेचर पहले से हमारे पास 36 KB के आसपास का था, तो वो चीज़ यहाँ पे अपलोड हो गई, आधार कार्ड को भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब जैसे ही ये किया हमने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक किया, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जैसे अगले पेज पे जाते हैं ना, फिर से इसकी डिटेल दिख जाती है स्टूडेंट की, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे हाइड कर रहे होंगे, और थोड़ा सा नीचे आएंगे फिर यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब पेमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, अब पेमेंट के लिए जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे फिर से मोबाइल नंबर और ईमेल दिख जाता है, और आपको एड्रेस भरने के लिए यहाँ पे कहा जाता है, तो एड्रेस को आपको फिल करना होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्राई किया था क्योंकि मैं बहुत बेसिक से ट्राई करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया कॉलेज मित्रा @YBL, मैंने कहा इससे मुझे पेमेंट करना है, तो मैंने यहाँ पे कॉलेज मित्रा @YBL को लिखा, आगे देखा कि YBL पहले से लिखा हुआ है तो इसको मैंने कट कर दिया, पेमेंट पे क्लिक किया। पेमेंट पे क्लिक किया, कहता है पहले आपको एड्रेस भरना पड़ेगा, मैंने कहा ठीक है मैं QR कोड से ही पेमेंट कर देता हूँ, मैंने कहा मैं QR कोड से ही पेमेंट कर देता हूँ, तो मैं QR के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और पे बाई QR के ऊपर मैं यहाँ पे टैप करने के लिए जाता हूँ। ठीक है, तो QR कोड मेरे सामने यहाँ पे दिख गया, अब हम लोग इस QR कोड को स्कैन करेंगे। अब एक चीज़ याद रखना, पेमेंट वाले पेज पे भी आपको अपनी एड्रेस की डिटेल्स भरनी होगी, अपनी एड्रेस को भरोगे आप, उसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट कर पाओगे। तो यहाँ पे QR कोड दिख रहा है, मैं यहाँ पे QR को स्कैन कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग पेमेंट सिंपली कर देंगे। किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो, चाहे वो गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट यहाँ पे हो चुका है मेरे एंड से। जैसे पेमेंट हो जाता है आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, चॉइस फिलिंग भी अभी चल रही है, चॉइस फिलिंग के लिए हम जाएंगे। पता इस वेबसाइट का सबसे छोटा कॉन्स कह लें, या सबसे एक ही मुझे गड़बड़ लगा इसमें, कि चॉइस फिलिंग जब आप करोगे तो आपको जो है प्रॉब्लम होती है इसमें चॉइस फिलिंग करने में। मैंने मान लो यहाँ पे COT पंतनगर सेलेक्ट किया पहले, और यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग TFW वाली सीट पहले मैं सेलेक्ट की, और ऐड के ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ पे पॉपअप आ गया, ओके पे क्लिक किया,
फिर से यहाँ पे इंस्टीट्यूट के नेम में COT पंतनगर सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे फिर से ब्रांच के अंदर हम लोग जो है यहाँ पे ITTFW सेलेक्ट कर ले रहे हैं, उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियर फिर करेंगे, IT करेंगे, ऐसे करके जो हम लोग कर रहे होंगे। तो ये फिर मैंने ऐड के ऊपर में क्लिक किया। ये तो खैर मैं सैम्पल चॉइस फिलिंग करके आपको दिखा रहा हूँ, ये तो सब लोग करेंगे। तो बात ये है कि ये चॉइस फिलिंग हम लोग बाद में कर लेंगे, मैंने आपको बस एक ऑर्डर दिखा दिया कि ऐसे ऐसे आपको चीज़ें करनी है, ठीक है, इस बात को आपने समझ लिया। अब अगर आप उत्तराखंड की काउंसलिंग को परचेज़ करना चाहते हैं, हमसे आप उत्तराखंड की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सारी की सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आपको जानकारी लेनी हो कि भैया उत्तराखंड की काउंसलिंग मैं आपसे क्यों करवाऊँ, या फिर उत्तराखंड की काउंसलिंग में जो है आपकी काउंसलिंग को परचेज़ करने का क्या सब प्रोसीजर है, तो उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन में।